हेलो फ्रेंड्स, गुड प्रीत में पंजाबी किचन में आपका वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काठियावाड़ी थाली। बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत अच्छे से खाया, बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने छोटे छोटे पटेटो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सिर्फ इसमें मैंने 8 से 9 कली, ज़्यादा भी आप ले सकते हो क्वान्टिटी के हिसाब से। इसको हम कूट लेंगे अच्छे से, एक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे कि लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे पेस्ट बनाने के लिए, स्पाइसी नहीं यूज़ करना है, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि इसका टेक्सचर अच्छा आता है, कलर भी सब्ज़ी को किया हुआ अच्छा होता है, देखने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बस इसको हमें ऐसे ही एक लहसुन का पेस्ट बना लेना है। तो ये मेरा पेस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो अब हम कुकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, एक कम ऑयल में ही सब्ज़ी बनेगी। और लहसुन का जो पेस्ट रेडी किया हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे, और हल्का सा, कम से कम से 3 से 4 सेकंड के लिए हमें उसको भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। जीरा थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून आप जीरा ऐड कर दो। जीरा ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो करो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट ऑलरेडी हम लोगों ने लहसुन की चटनी में ऐड किया हुआ है, तो स्वाद अनुसार थोड़ा सा आप टेस्ट करके ही या फिर डालिएगा सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी लहसुन की चटनी में सॉल्ट है। तो ये मेरा पेस्ट देखिए, मैंने थोड़ा सा ही उसको भुनना है, ज़्यादा भुनेंगे तो जल जाएगा। तो इसमें हमें कुछ और ऐड नहीं करना है, जो पटैटो के पीस कट करके रखे हैं वो हम डालेंगे, और साथ में जो हमारे नॉर्मल मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च हम और ऐड कर देंगे आलू का टेक्सचर अच्छा दिखने के लिए, सब्जी का जो टेक्सचर है वो देखने में अच्छा दिखे। साथ में ये जीरा जो मैंने ऐड किया, मैंने पहले भी बताया, ऑप्शनल है ये, और सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हो। सो ये सारे मैंने पटेटो इसमें ऐड कर देंगे, 2 से 3 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि जो आलू है वो अच्छे से, मतलब जो है सॉफ्ट होना चाहिए। अगर कड़ा आलू, थोड़ा बहुत भी पटेटो जो है वो कड़ा रहेगा तो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा। तो कम से कम 3 से 4 सीटी आप लो फ्लेम पे आने दीजिए। ये सिखाने में बहुत टेस्टी लगती है, ये काठियावाड़ी सब्ज़ी है, इसमें हमने ना टमाटर प्याज किसी चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ लहसुन की जो मैंने चटनी बनाई है उसमें ही इसका जो टेस्ट है वो आता है। और थोड़ा पानी ऐड किया है मैंने, अगर ज़्यादा आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी क्या क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे मैंने मीडियम, थोड़ा पानी, थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला है इसमें। सो 3 से 4 विसल अब हम आने देते हैं इसमें। सो सीटी ऑलरेडी लग चुकी है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसा बना है। बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम पानी जो है और पटैटो है, जो मसाला है, सब एक दूसरे पे मिक्स है, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है। आप पटैटो देखिए, वो भी कैसे सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका तैयार कर लेते हैं थेपला, क्योंकि हमारी सब्ज़ी तो रेडी हो चुकी है। मेथी को मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिया था, उसके आप लीव्स ले लीजिए, इसको अच्छे से वॉश अप कट करने के बाद ही कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले वॉश कर लेंगे तो वो कैसे प्रॉपर कटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ले लीजिए, मैंने यहाँ पे सीजर की हेल्प से फटाफट कट किया है, आप चाहो तो नाइफ से भी कट कर सकते हो, हमें छोटा छोटा इसको कट करना है, ज़्यादा मोटा रहेगा तो वो थेपले में अच्छा नहीं लगेगा देखने में। सब उसका मतलब कैसे ग्रीनिश टेक्सचर आना चाहिए ऐसा कट, ये देखिए कितना अच्छा कट हुआ है, बारीक एकदम कट हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, कम से कम 5 से 6 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे कि इसमें कोई अगर मिट्टी विट्टी होगी तो वो अच्छे से वॉश हो जाए, क्योंकि खाने में अगर वो आएगा तो पूरा जो मज़ा है खाने का वो पूरा निकल जाता है, इसलिए उसको वॉश करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। फिर हम इसमें आटा ले लेंगे, गेहूँ का आटा हम मिक्स करेंगे, क्वान्टिटी आप अपने फैमिली अनुसार ले सकते हो, आपकी फैमिली के जितने मेम्बर सब साथ ऐड कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। हल्दी का जो पाउडर है वो जब डालते हैं ना तो थेपले का जो टेक्सचर है वो देखने में अलग लगता है, सुंदर लगता है देखने में बहुत। और साथ में तिल ऐड करेंगे, यहाँ मैंने वाइट तिल थोड़ा ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन ऐड किया, आप 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून वाइट तिल ये ऐड कर लीजिए, और थोड़ा ऑयल ऐड कर लीजिए कि उसमें जो मोन है वो अच्छे से पड़े। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, इसको अच्छे से आटे को हम गूंथेंगे,
कि इसका जो टेक्सचर है प्रॉपर आए, और आटा जितना अच्छा गुना होगा ना थेपले उतने ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे गूंदना है, बस ना ढीला नहीं गूंदना और ना ज़्यादा इसको सख्त गूंदना है, एकदम मीडियम हमें आटा गूंदना है। सो इसका हम ऐसे ही उसको मिक्स करके गूंदेंगे और फिर लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको मुक्की दे देंगे, अच्छे से मुक्की दे देंगे उसको गूंदेंगे, क्यों जितना हम उसको अच्छे से मुक्की देंगे ना उतना ही आटा अच्छा गूंदता है। तो ये अच्छे से गूंद चुका है और सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो जैसा आपको ऐड करना हो। अब इसको जब मेरा ये डो रेडी हो जाएगा अच्छे से, ये देखिए अभी भी चिपक रहा है, इसका मतलब इसमें मुझे और भी मेहनत करनी है। तो ये आप ऐसे उसको गूंदो मुक्की दो अच्छे से, जब ये एक हो जाएगा आटा इसका मतलब अच्छे से हमारा थेपले के लिए रेडी है आटा। आप इसको ट्रैवल में भी 2 दिन के लिए कैरी कर सकते हो, आराम से आप वेयर कर ले सकते हो कि आप 2 दिन ट्रैवल कर रहे हो तो आप अच्छे से बच्चों के लिए ले सकते हो। बाहर के खाने से बेटर है कि आप थेपले और सूखी आलू की सब्ज़ी लेके जाओगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। बस एक ही चीज़ है कि आप जो थेपला है वो तेल में बनाइए, ऑयली ऑयल या फिर जो भी आप घर पे रिफाइंड ऑयल जो भी यूज़ करते हो आप उसमें बनाओ। घी में बना के आप कभी भी ट्रैवल में ले, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको थेपला कैरी करना है रखना है तो आप घी में उसको मत लेके जाओ। मैं प्रेफर करूँगी कि आप तेल में उसको बनाओ। छोटी छोटी लोई ले लो और उसको पतला बेल के उसको जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही आप तवा गरम करके उसको डालो। यहाँ मैं घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग तुरंत खाने वाले हैं खाने में, तो मैंने यहाँ घी का यूज़ किया। अगर आप चावल में यूज़ कर रहे हो तो तेल का भी, अगर आपको घी में नहीं अच्छा लगता है तो आप तेल यूज़ करो। हम लोग मोस्ट ऑफ घी में बनाते हैं इससे मैंने घी का यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर लग रहा है इसका, देखने में मस्त सुंदर एकदम लग रहा है। इसको बस थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए और साथ में वो सब्ज़ी और साथ में चटनी का टेस्ट ही अलग है, पूरा काठियावाड़ी खाने का टेस्ट आता है। आप भी एक बार ये थाली पूरी घर पे ट्राई करो। साथ में मैंने इसके तल ली थी थोड़ी हरी मिर्ची को कट किया, नमक डाला, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। सो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे ही हम सारे थेपलों को सेक लेंगे। मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि मिर्ची को बस थोड़ा सा आप वही तवे पे जिस पे रोटी बनाई है ना उस पे थोड़ा सा ऑयल डाल दो, मिर्ची को बीच से कट करके मिर्ची को आप तल लो और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको फ्राई कर लो। साथ में खाने में बहुत टेस्ट आएगा। अगर आप जो थोड़ी सी कम तीखी होती है आप वो मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है, काठियावाड़ी थाली आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स, धन्यवाद।